वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th, सेकंड चैप्टर। जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। हमने पढ़ लिया था कि किस तरह भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, नमक जो दांडी मार्च था, वो सब किस तरह से घटनाएं घटी, क्यों घटी और उनका किस किस जगह क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमने पढ़ा। देखो बच्चों, आपके टोटल जो ये चैप्टर दिया हुआ है वो आजादी तक नहीं दिया हुआ है। कई बच्चों का ये क्वेरी आया था कि मैडम जो आजादी मिली उसकी कोई घटनाओं की तो कोई जानकारी नहीं है। आपका ये जो चैप्टर दिया गया है ये कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से ही दिया गया है। इसमें बस यही बताया गया है कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद यानी अपने देश के लिए इन भावनाओं का उदय हुआ, कैसे हमने ये समझा कि एक डोमिनियन स्टेटस, एक स्वायत्त राज्य के बजाय स्वतंत्र राज्य हमें बनना है, कैसे हमने ये समझा कि हमें उपनिवेश नहीं रहना है, ये सब फीलिंग्स किस तरह से आई, ये इस चैप्टर में दिया हुआ था। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, अगर आप ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि ऑब्जेक्टिव उसको आप छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव टाइप एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। आई कैन गारंटी यू कि एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चन आंसर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो लघुतरात्मक हो या फिर जो निबंधात्मक हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो या लॉन्ग आंसर टाइप। तो आप ध्यान से पढ़िए, बने रहिए हमारे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रही हूँ उनसे बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। आई रिपीट, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो खैर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ना, लेकिन जो लघुतरात्मक आते हैं और निबंधात्मक आते हैं वो इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है, समझाएं, क्या समझाएं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की वृद्धि को उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्यों जोड़ा जाता है। बहुत अजीब से क्वेश्चन दिए जाते हैं, कई बार आपको समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो बिल्कुल क्वेश्चन परत दर परत आपके सामने खुल जाएगा। देखो, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की वृद्धि यानी अपने देश के लिए जो फीलिंग्स आई, उन फीलिंग्स को उपनिवेशवाद विरोधी यानी जो जिन देशों ने उन पर कब्जा कर रखा था उनके विरोधी आंदोलन से क्यों जोड़ा जाता है, ये पूछा जाता है। तो क्यों जोड़ा जाता है? लोगों ने उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज शुरू की, यानी कि वो एक होते गए और उन्होंने अपने देश के लिए ये एकता शुरू की, मतलब वो अपने देश के लिए एक हुए। उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़ित होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया जिसने कई अलग अलग समूहों को एक साथ बांध दिया। भारत में जहां एथनिसिटी इतनी ज्यादा है यानी इतने अलग अलग तरह के डाइवर्स ग्रुप्स हैं, इतने अलग अलग तरह के संस्कृतियां हैं, इतने कल्चर्स हैं, वहां पर लोगों में एकता का जो बंधन था वो क्यों विकसित हुआ? वो इसीलिए विकसित हुआ कि चाहे वो सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोग हों या उत्तर भारत के लोग हों या पूर्वी या पश्चिमी भारत के लोग हों, सभी पर अंग्रेजों ने एक समान अत्याचार किए। तो वो एक इस बंधन में बंध गए कि तुम पर भी इतना ही अत्याचार हो रहा है, हम पर भी इतना ही अत्याचार हो रहा है, चलो हम मिलके इसका विरोध करते हैं। ठीक है ना, तो एक बंधन, उनको एक साझा बंधन प्रदान किया इसने। लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को अलग अलग तरह से महसूस किया, उनके अनुभव विविध थे और स्वतंत्रता के बारे में उनकी धारणाएं भी हमेशा एक जैसी नहीं थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक आंदोलन के तहत एक साथ बनाने की कोशिश की, लेकिन एकता बिना संघर्ष के नहीं उभरी और जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो आखिरकार इसने हमें स्वतंत्रता दिला दी। व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, व्हाई इज इट लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, सीधा सा क्वेश्चन है। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. This, the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. और यही वजह थी कि हमारे जो अलग अलग जगह के लोग थे वो एक सूत्र में बंध गए। But each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notion for freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. यानी कहीं न कहीं इस एकता में भी विवाद उभरे हुए रहे थे।
अगली चीज जो आपको एक्सप्लेन करनी है वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कैसे मदद की। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, ऐसा क्या हुआ उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि उसके बाद से भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन था वो इतनी तेजी से उभरा। देखो आपको इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, कैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो उस समय सफल नहीं हो पाया, यानी भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद इतना जोर शोर से फिर कोई आंदोलन नहीं हुआ, पर धीरे 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 धीरे, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से आप देखते हैं महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई वो लगभग 1915 के बाद की हैं। तो यानी 1914-15 या मान लीजिए कि 1910 के बाद की जो घटनाएं हुई, खास करके 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, ये सारी घटनाओं ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद की एक लहर पैदा की। तो ऐसा क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध ने कि इस चीज को, इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को एक्सिलरेट कर दिया, इतनी गति प्रदान कर दी। युद्ध ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा की थी। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई जिससे युद्ध ऋणों और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया। सीमा शुल्क में वृद्धि हुई और आयकर भी बढ़ाया गया। ब्रिटेन इस युद्ध में था, और जब कोई युद्ध लड़ेगा चाहे वो हारो या जीतो, होता क्या है उसका बहुत खर्च होता है। तो ये खर्च वो कहां से निकालेंगे? अब ब्रिटेन के पास इतने सारे उपनिवेश थे तो वो उन्हीं पर टैक्सेस लगाएंगे। गांव में जबरन भर्ती की गई, मतलब जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया, और फसलें भी खराब हो गई। इसके परिणाम स्वरूप भोजन की भारी कमी हो गई थी। अकाल और महामारियों के कारण 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हो कि जब इतनी प्रॉब्लम थी और ऊपर से हमें युद्ध में धकेला गया तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों के लिए आक्रोश का कारण बन गया। हाउ वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ इन ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। वॉर क्रिएटेड ए न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were increased and income tax introduced. Then forced recruitment in villages caused widespread anger and crops failed. This resulted in acute shortage of food. Uske baad mein 12 to 13 million people died due to famines and epidemics. तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हुई उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी सुनी नहीं, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में गुस्सा आना जायज था। अगला क्वेश्चन है, why Indians were outraged by Rowlatt Act? क्यों रोलट एक्ट पर भारतीयों को इतना गुस्सा था? ऐसा क्या ही था एक कानून में, ब्रिटिशर्स तो यार राज कर ही रहे थे तो उन्होंने एक कानून और पास कर दिया तो इतने गुस्से की क्या बात थी। तो रोलट एक्ट में ऐसा क्या था कि जिसके विरोध इस तरह से किया गया कि बाद में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ, तो ऐसा क्या था रोलट एक्ट में? 1919 में रोलट एक्ट पेश किया गया था। इस अधिनियम को शाही विधान परिषद के माध्यम से जल्दबाजी में बहुत हैसली पारित कर दिया गया था, हालांकि भारतीय सदस्यों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दे दी। क्या दी? इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। यानी जो भी ब्रिटेन के खिलाफ कुछ भी करेगा, बल्कि उस पर सिर्फ शक होगा, तो शक के बिना पर ही किसी इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में रखा जा सकता था। बताइए, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई पेशी नहीं हुई और उस इंसान को 2 साल जेल में रख दिया गया। अब मान लीजिए क्या हो कि कोई इंसान 2 साल जेल में रहे, वो निकले और उसके निकलते ही उसको वापस गिरफ्तार कर लो, फिर 2 साल रख लो, इस तरह तो पूरी उम्र उसकी वही निकल जाएगी। तो ये इस तरह के जो कानून बनाए गए थे जल्दबाजी में, इसकी वजह से भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया था। Why Indians were outraged by Rowlatt Act? Rowlatt Act was introduced in 1919. This act was hurriedly passed through the Imperial Legislative Council. Although it was completely opposed by Indian members, it had given the government enormous power to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. पूरे 2 साल बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी पेशी के किसी को भी कैद में रखा जा सकता था।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? असहयोग आंदोलन तो बहुत अच्छा चल रहा था 1920 में जो शुरू हुआ था, तो क्या हुआ ऐसा 1922 में कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने महसूस क्या किया? उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो रहा है और सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए तैयार होने से पहले उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। और खास करके जो घटना हुई थी चौरी चौरा वाली, वो भी आप चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले का एक गाँव है चौरी चौरा, वहां पर फरवरी 1922 में गाँव वालों ने मिलकर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि ये आंदोलन बहुत ज्यादा हिंसक हो रहा है और महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, तो इस हिंसा के विरोध में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। Why गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. ठीक है, तो इस वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना ये जो movement है, ये जो असहयोग आंदोलन था, वो वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी के प्रकार से आएगा जरूर। वो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सत्याग्रह के विचार से आपका क्या तात्पर्य? क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? देखो, हमने घटनाएं तो आपके इस चैप्टर में बताई है, लेकिन इन घटनाओं के साथ साथ क्या बताया गया है, इन घटनाओं के साथ साथ किस तरह से कोई आइडियोलॉजी, किस तरह से कोई विचारधारा पैदा होती है। तो सत्याग्रह एक विचारधारा थी, तो इस विचारधारा से आपका क्या अर्थ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। इसने सुझाव दिया कि यदि कारण सही हो, यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल जरूरी नहीं होता। ठीक है, प्रतिशोध लेने या बदला लेने या आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से भी लड़ाई जीत सकता है। ये उत्पीड़क के जमीर से अपील करके किया जा सकता है। लोगों को, जिनमें उत्पीड़क भी आते हैं, जो आप पर अत्याचार करते हैं वो भी आते हैं, को हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की बजाय सच्चाई को देखने के लिए राजी करना पड़ेगा। इस संघर्ष से अंततः सत्य की जीत होनी ही थी। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। कहीं ना कहीं इस तरह से जो आप अपने विचार पेश करते हो एकदम शांत रहकर, देखो आप कभी भी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चिल्ला के कुछ कहेंगे तो शायद आपकी कोई सुनेगा नहीं, लेकिन अगर आप बहुत शांत होकर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी बात रखेंगे ना सामने, तो सब सुनेंगे। तो जरूरी है, ठीक उसी तरह सत्याग्रह भी एक ऐसा विचार है जिसमें कहा गया है कि चाहे आप पर कोई अत्याचार भी करे, तो आप बजाय उसके खिलाफ हिंसक होने के, आप शांति से अपनी बात, सच्चाई उस तक पहुंचा सकते हैं। What is meant by the idea of सत्याग्रह? The idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth and need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing the conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth. हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो सत्य को अपनाएं, बल्कि हमें क्या करना है, उनको सत्य देखने को मजबूर करना है, उनको सत्य को समझाना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, बाय दिस स्ट्रगल द ट्रूथ वाज बाउंड टू ट्रायंफ अल्टीमेटली। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और ये हुआ भी। सत्याग्रह की ये जो भावना थी, इसने पूरे देश को वास्तव में संगठित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, आपको घटना का वर्णन करना है। इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें अपने किसी विचारधारा को वर्णन करके बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। अब कुछ
समाचार पत्र रिपोर्ट लिखने, समाचार पत्र रिपोर्ट जो लिखते हैं ना वो किसी घटना के ऊपर लिखे जाते हैं, तो किस तरह से लिखने हैं ले दे कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कहा यही गया है कि इस घटना का वर्णन कीजिए। तो पहली घटना कौन सी है, पहली घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करना है आपको, 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। क्यों हुई थी आप सबको, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसको एलाबोरेट किया था कि 1919 में जो रोलट एक्ट पास हुआ उसके विरोध में देश में कई जगह प्रदर्शन हुए, तो अंग्रेजों ने उसको दबाने की कोशिश की। ऐसे में 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाया जाता है पंजाब में, तो वहां पर क्या था, कुछ लोग तो रोलट एक्ट का विरोध करने आए थे लेकिन कई सारे लोग बेचारे गांव वाले जो है वो बैसाखी मनाने आए थे, जो हर साल वहां आते हैं तो उनको इस चीजों के बारे में पता भी नहीं था। तो ऐसे में 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। उस दिन जलियांवाला बाग के संलग्न मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग सरकार के नए दमनकारी उपायों का विरोध में आए थे और कुछ लोग क्यों आए थे, वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने आए थे। शहर से बाहर था वो, तो कई ग्रामीण उस समय मार्शल लॉ से भी अनजान थे, उस समय जो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था पंजाब रीजन में वो उससे अनजान थे। तो डायर ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और जो बाहर निकलने के जितने भी बिंदु थे उन सबको बंद कर दिया और भीड़ पर गोलियां चला दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया कि उनका उद्देश्य क्या था, सत्याग्रहियों के मन में नैतिक प्रभाव पैदा करना था, और क्या पैदा करना था, आतंक और विस्मय की भावना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूरे देश में इसका विरोध हुआ और जो सत्याग्रह था वो और ज्यादा प्रबल हुआ। On 30th of April, the famous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, large crowd was gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Other had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. And Dyer entered the area, blocked the exit point, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His objective, as he declared later, was to produce a moral effect. बिल्कुल डायर ने बाद में जो बयान दिया था उसमें कहा था कि मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनके मन में किसी न किसी तरह आतंक की भावना पैदा हो जाए, उनमें उनके मन में एक डर बैठ जाए ताकि वो आइंदा से कभी किसी इसी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करें। वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ। तो ये सब जो था वो जलियांवाला बाग, इसके लिए ये हत्याकांड किया गया। यानी एक तरह से कहा जाए कि ये जनरल डायर की सोची समझी एक साजिश थी या सोचा समझा उठाया गया कदम था, तो गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि बाद में उन्होंने इस चीज को खुद कबूल किया था। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, पहले तो हमें ये देखना है कि साइमन कमीशन था क्या। भारत में जब धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस दिया गया, यानी कि स्वायत्त राज्य बनाया गया था भारत को, उसके बाद में ये कहा गया कि अब धीरे धीरे भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित की जाएगी। तो ये सत्ता का स्थानांतरण, ये उनको अथॉरिटी देना, ये जो अथॉरिटी देने की बात की गई थी वो धीरे धीरे की जानी थी। तो ऐसे में पहले एक कानून जो बनाया गया था वो 1919 में बनाया गया, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम और बनाए गए। तो जो 1919 में रॉलट एक्ट बनाया गया था, उस रॉलट एक्ट की, जिसको हम कहते हैं कि एक बार वापस परीक्षण या देखने के लिए कि भाई सुपरविजन किस तरह से वो लागू किया गया है, 10 साल बाद करना निश्चित किया गया था। लेकिन रॉलट एक्ट का इतना बुरी तरह से विरोध हुआ भारत में कि उन्होंने 10 साल के बजाय 8 साल में ही उसका जो है वापस देखने के लिए कि भाई किस तरह से इस कानून को लागू करना है, वापस एक साइमन नाम के एक अधिकारी के नेतृत्व में दल भेजा। लेकिन ये जो दल भारत आया इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है ना। तो जब वो भारतीय है ही नहीं तो वो क्या हमारे कानूनों को देखेंगे और समझेंगे कि सही है कि गलत है, हम पर उनका क्या प्रभाव है। तो इस वजह से इसका पूरे भारत में विरोध किया गया था।
1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारे से किया गया। प्रदर्शनों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी सहित सभी दलों ने भाग लिया। उन्हें जीतने के प्रयास में वॉयसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक अनिर्दिष्ट भविष्य में भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस की एक अस्पष्ट पेशकश और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India and unspecified future. And a round table conference to discuss a future constitution. But this did not satisfy the Congress leader. ठीक है ना, तो इस तरह साइमन कमीशन आया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस अध्याय में भारत माता की छवि की तुलना, जो आपका अध्याय वन है, जो आपका चैप्टर वन है, उसकी जर्मेनिया की छवि से उसकी तुलना करनी है। Compare the images of Bharat Mata in this chapter with the image of Germania in chapter 1. तो सबसे पहले हम जर्मेनिया की बात कर लेते हैं। जर्मेनिया जर्मनी का प्रतीक, जबकि भारत माता भारत का प्रतीक। इस छवि को यानी जर्मेनिया की इमेज को 1848 में फिलिप वीट द्वारा चित्रित किया गया था और भारत माता की छवि को 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया। जर्मेनिया की छवि कैसी है, एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में झंडा लिया हुआ है। जर्मेनिया ओक के पत्तों का ताज पहने हुए है क्योंकि जर्मन ओक वीरता के लिए जर्मन जो है ओक को वीरता का प्रतीक मानते हैं। जबकि भारत माता एक त्रिशूल के साथ खड़ी है, एक शेर और हाथी पास में खड़े हैं, ये शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। जर्मेनिया इज द सिंबल ऑफ जर्मनी एंड भारत माता इज सिंबल ऑफ इंडिया। जर्मेनिया द इमेज ऑफ जर्मेनिया वॉज पेंटेड बाय फिलिप वीट इन 1848 बट द इमेज ऑफ भारत माता वॉज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर इन 1905। जर्मेनिया इज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म एंड भारत माता इज स्टैंडिंग विद अ त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड्स अ लायन एंड एलिफेंट सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो इस तरह आपको दोनों की तुलना करनी है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, अब आपको चर्चा करनी है या आपको बताना है इस बारे में कि उन सभी विभिन्न सामाजिक समूहों की सूची बनाएं जो 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, फिर किन्हीं तीन को चुने और उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखे कि वो आंदोलन में क्यों शामिल हुए। ठीक है ना, आपको अलग अलग तरीके से बताना है कि कोई वर्ग असहयोग आंदोलन में क्यों शामिल हुआ और किस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, एस्पायरेशंस थी और किस तरह कितने वो सफल हुए। इसके नीचे विभिन्न सामाजिक समूहों की सूची दी गई है जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और उनके संघर्ष कैसे रहे थे। सबसे पहले शहरों में मध्यम वर्ग की भागीदारी, जो शहर थे वहां मिडिल क्लास ज्यादा असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने अपनी कानूनी जो कार्यवाही थी उनको छोड़ दिया। मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया। जहां गैर ब्राह्मणों की पार्टी यानी जस्टिस पार्टी ने महसूस किया कि परिषद में प्रवेश करना कुछ शक्ति हासिल करने का एक तरीका था, ये मद्रास में सोचा गया कुछ ऐसा जो आमतौर पर केवल ब्राह्मणों के पास था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के प्रभाव अधिक नाटकीय थे। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी कपड़ों से के से जुड़े अलावों को जला दिया गया, मतलब उनकी होली जलाई गई। सो डिस्कस द लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, देन चूज एनी थ्री एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल्स टू शो व्हाई दे जॉइंड द मूवमेंट। तो इनमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस
Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council election was boycotted in most provinces except Madras. And why not in Madras? Where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way to gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. The effect of non-cooperation on the economic front was more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed, and foreign clothes were burnt in huge bonfire. ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? विदेशी कपड़ों का आयात 1921 से 1922 के बीच आधा रह गया. इसका मूल्य 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया. कई जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं के व्यापार या विदेशी व्यापार के वित्त पोषण से इनकार कर दिया. जैसे जैसे बहिष्कार और आंदोलन फैलता गया, लोगों ने जो आयातित कपड़े थे उनको छोड़ना शुरू कर दिया और केवल भारतीय कपड़े पहने. भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन शहरों में यह आंदोलन कई कारणों से धीरे धीरे कमजोर पड़ गया. क्यों पड़ गया? क्योंकि खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में महंगा होता था और गरीब इसको खरीद नहीं सकते थे. इसी तरह ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए वैकल्पिक जो भारतीय संस्थान थे उनकी स्थापना करनी पड़ी, ताकि उनका उपयोग ब्रिटिश संस्थाओं के आधार पर किया जा सके उनकी जगह पर. लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, इतनी संस्थाएं कहां से आती. ये ऊपर आने में, मतलब इनकी जो ऊपर आने की गति थी वो बहुत धीरे थी, इसलिए छात्र और शिक्षक वापस सरकारी स्कूलों में जाने लगे और वकील सरकारी अदालतों में वापस काम पर आने लगे. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हेल्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रुपीज 102 करोड़ टू रुपीज 57 करोड़. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods and finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handloom went up. But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. What were the reasons? Khadi cloth was often more expensive than mass produced mill cloth and poor people could not afford to buy it. Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began to trickling back to government schools and lawyers joined back working in government courts. तो इस तरह से ये जो आंदोलन था ये धीमे धीमे कमजोर पड़ गया था और इस तरह से असहयोग आंदोलन की कमजोरियां सामने आ गई थी. तो ये मध्यम वर्ग का था. इसके बाद का दिया गया है किसान और आदिवासी किस तरह से असहयोग आंदोलन से जुड़े. अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया. एक सन्यासी जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी गए थे, बाबा रामचंद्र. यहाँ का आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ था. ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, ये अपने ही जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने किसानों से अत्यधिक उच्च लगान और कई अन्य उपकरों की मांग की थी. किसानों को बेगार करना पड़ता था और बिना किसी भुगतान के जमींदारों के खेतों पर काम करना पड़ता था. किराएदारों के रूप में उनके पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी. नियमित रूप से उनको बेदखल किया जा रहा था ताकि पट्टे पर दी गई भूमि पर उनको कोई अधिकार नहीं मिले. किसान आंदोलन ने राजस्व में कमी, बेगार के उन्मूलन और दमनकारी जमींदारों के सामाजिक बहिष्कार की मांग की. अब देखिए, जहां मध्यम वर्ग सीधा सीधा असहयोग की भावना से असहयोग के साथ ही जुड़ा, वहीं किसान और आदिवासी क्यों जुड़े? ताकि वो तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफत कर सके. जमींदारों को नाइयों और धोबी की सेवाओं से वंचित करने के लिए कई जगहों पर पंचायतों द्वारा नाई धोबी बंद का आयोजन किया गया था. ठीक है ना, नाई धोबी बंद लगाए गए थे. पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, हाउ दे फॉट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इन अवध, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंटेंडरल लेबरर. द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तालुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded
who demanded exorbitantly high rents and variety of other cesses from peasants. तो सेसेस क्या होते हैं? देखो सेसेस होते हैं, टैक्स तो आपने लगा दिया, वो तो टैक्स हो गया, कर हो गया, लेकिन कई बार उन टैक्स पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, उसको सेस कहा जाता है, ठीक है ना, उपकर कहा जाता है, सेस कहा जाता है. पीजेंट्स हैड टू बी बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट. एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड. मतलब कितनी किस तरह से अत्याचार करते थे कि उनको जमीन दी कि आप खेती करो, लेकिन निश्चित समय के बाद वो जमीन वापस ले ली और कोई और जमीन दे दी, ताकि वो एक जमीन पर अपना कब्जा नहीं कर सके. कितना सोच समझ के ये षड्यंत्र किया गया था. द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, द अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ अपेरेसिव लैंडलॉर्ड्स. इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड वॉशरमैन. और ये सर्विसेज ऐसी होती है जो सबके लिए बहुत कंपल्सरी होती है, तो ऐसे में उनको भी ये पता चलना चाहिए था कि किस प्रकार से अगर उनको ये सर्विसेज नहीं मिलेगी तो वो परेशान हो जाएंगे. फिर हुआ क्या, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार की व्याख्या दूसरे तरीके से की. उन्होंने स्वराज को आजादी से नहीं जोड़ा. उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन 1920 के दशक की शुरुआत में फैल गया. संघर्ष का एक रूप जिसको कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती थी, ठीक है ना. अन्य वन क्षेत्रों में औपनिवेशिक सरकार ने बड़े वन क्षेत्रों को बंद कर दिया था. हमने देखा था कि जंगलों को किस तरह जंगलों में उनको घुसने से मना कर दिया गया, जिससे लोगों ने अपने मवेशियों को चराने या ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से उनको रोका गया. इससे पहाड़ी लोगों में आक्रोश फैल गया. न केवल इससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई, बल्कि उन्हें लगा कि उनके पारंपरिक अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है. जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए बेगार देने को मजबूर किया तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था. तो इस तरह ये कहीं ना कहीं जो स्वराज के लिए आंदोलन था वो अपने अपने हितों के लिए आंदोलन बन गया था. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj yet another way. In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in early 1920s. Not a form of struggle that Congress could approve. Congress कभी भी इसको approve कर ही नहीं सकती थी. In other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruit. This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights are being denied. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. So, ye wajah thi कि जो किसान और आदिवासी थे वो इसके विरोध में आए थे. तो आपने देखा मध्यम वर्ग क्यों आया था विरोध में और किस तरह से विरोध किया. ये जो आदिवासी और किसान है वो किस तरह से विरोध में आए और क्यों विरोध किया. तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि बागान में काम करने वाले वो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने किस तरह से इसका विरोध किया. महात्मा गांधी और स्वराज की धारणा के बारे में श्रमिकों की भी अपनी समझ थी, जो वो लोग बागान में काम करते थे. असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या था, उस सीमित स्थान में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार था जिससे वो जुड़े हुए थे, संलग्न थे, और इसका अर्थ उस गांव के साथ संबंध बनाए रखना था जहां से वो आए थे. जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था कि जब बागान में काम करने के लिए वो मजदूर जाते थे तो उनको उनकी मजदूरी तो देते थे लेकिन उनको आने जाने नहीं दिया जाता था. बरसों बरस वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे. तो ये उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ ये था कि हमें अपने परिवार से मिलने दिया जाए, हमें बाहर आने जाने दिया जाए. 1859 के अंतरदेशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, और वास्तव में उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती थी. जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों की अवहेलना की, बागान छोड़ दिया और घर चले गए. उनका मानना था कि गांधी राज आ रहा है और सभी को अपने अपने गाँव में जमीन दी जाएगी, हालांकि वो कभी अपने गंतव्य तक पहुंचे ही नहीं. क्यों नहीं पहुंचे, रास्ते में रेलवे और स्टीमर की हड़ताल में फंसे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बेरहमी से पीटा, तो शायद ही उनमें से कोई अपने घर पहुंच पाया होगा.
सो द वर्कर्स इन द प्लांटेशन हाउ दे इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेट्स नो अबाउट इट वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड एंड इट मीन्स retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. And in fact, they were really rarely given such permission. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. They, however, never reached their destination, stranded on the way by railways and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. और इस वजह से वो कभी अपने घर पहुंच ही नहीं पाए थे. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो, जो हमने इससे पहले पढ़ा कि किस तरह से किन किन लोगों ने अपनी स्वराज की इंटरप्रिटेशन की. अब यह है कि यह स्पष्ट करने के लिए नमक मार्च की चर्चा कीजिए, जो नमक दांडी मार्च था उसकी, कि ये उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी प्रतीक हुआ. किस तरह से नमक, किस तरह से दांडी जो है एक ऐसा सिंबल बन के उभरा जिसने कॉलोनियलिज्म की धज्जियां उड़ा दी थी. डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism. Mahatma Gandhi ne namak ko ek shaktishali prateek paya tha jo rashtr ko ekjut kar sakta tha. Aisa kya tha usme namak mein? 31 January 1930 ko unhone 11 mangon ko batate hue Viceroy Irwin ko ek patra bheja. Isme kuch to samanya mange thi aur anya udyogpatiyon se kisanon tak ki vibhinn vargon ki vishisht mange thi. मांगों को व्यापक बनाने का विचार था. जरूरी यह था कि मांगे ऐसी हो जिससे आम जनता खुद को जोड़ सके, भारतीय समाज के सभी वर्ग उनके साथ पहचान कर सके और सभी को एकजुट अभियान में एक साथ लाया जा सके. सबसे अधिक हलचल नमक कर को समाप्त करने को लेकर थी. नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया था. नमक एक ऐसी चीज थी जिसने अमीर और गरीब समान रूप से खाते थे और ये भोजन की आवश्यक वस्तुओं में से एक था. नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार. महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन का यह सबसे दमनकारी चेहरा है जो सामने आया है. महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट पावरफुल सिंबल एंड कुड यूनाइट द नेशन. ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वॉइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स. सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफाइड डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस. From industrialists to peasants, the idea was to make the demands wide-ranging so that all the class within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a unite campaign. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the essential items of food. The tax on salt and the government monopoly were over its production. Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi. The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6th of April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च या दांडी मार्च शुरू किया. ये जो मार्च था ये लगभग 240 मील से ज्यादा का था. साबरमती में गांधी जी के आश्रम से गुजराती तटीय शहर दांडी तक स्वयंसेवक 24 दिनों तक चले और दिन में लगभग 10 मील चलते थे. महात्मा गांधी जहां भी रुके हजारों लोग उनकी बातें सुनने के लिए आते थे और उन्होंने बताया कि स्वराज से उनका मतलब क्या है.
और उनसे शांतिपूर्वक अंग्रेजों का विरोध करने का आग्रह किया। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया, समुद्री जल को उबालकर नमक का निर्माण किया। अब ये क्यों, किस तरह से ये कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था? देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक बनाकर कानून तोड़ा, नमक बनाया और सरकारी नमक के कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। जैसे ही आंदोलन फैल गया, विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और कई जगहों पर लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन भी किया। लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में जाना भी शुरू कर दिया। Thousands in different parts of country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, the foreign cloth was boycotted and the liquor shops were picketed and peasants refused to pay revenue and chowkidar taxes. Villages officials resigned and many places forest people violated forest laws. Going into reserved forest to collect wood and graze cattle. तो इस तरह से ये हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम बन गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं में तीव्र मतभेद क्यों थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। Why did political leaders differ sharply over the questions of separate electorals? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित करने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर महात्मा गांधी से भिड़ गए थे। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा करेगा। अंबेडकर ने आखिरकार गांधी जी की स्थिति को स्वीकार किया और परिणामतः सितंबर 1932 का पूना पैक्ट लागू हो गया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडेड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ। He believed that the separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted the Gandhiji's position and the result was the Pune Pact of September 1932. Muhammad Ali Jinnah was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population of Muslim dominion provinces, especially in Bengal and Punjab. Negotiations over the question of representation continued, but all hopes of resolving the issue at all parties conference in 1928 disappeared when M. R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts of compromise. तो ये तो दलितों के तो अंबेडकर ने किया ही था, उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी अलग निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। अगर मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों और मुस्लिम बहुल प्रांतों को जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता तो। लेकिन प्रतिनिधित्व के इस सवाल पर बातचीत तो जारी रही, लेकिन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इस मुद्दे को हल करने की सभी उम्मीदें तब खत्म हो गई जब हिंदू महासभा के एम आर जयकर ने समझौते के प्रयासों का बहुत कड़ा विरोध किया था। ठीक है, तो इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं खत्म होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चंस है स्पेशली, तो इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।